हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। तो गाइस, एक और रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, वो है सांभर। तो आज हम लोग बहुत ही टेस्टी सांभर बनाएंगे, तो बनाना शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने अरहर की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है, बिकॉज़ अरहर की दाल से ही सांभर बनती है। पलटेंगे इसको अपने कुकर में और पानी डालेंगे। लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी मैंने यूज़ किया है, और डालेंगे खूब सारा कड़ी पत्ता इसके अंदर। कड़ी पत्ता ढेर सारा डालेंगे, बिकॉज सांभर में कड़ी पत्ता अच्छा लगता है बहुत। तो ऐड करते हैं इसमें अपनी हल्दी, लगभग 2-3 चम्मच हल्दी डाल दी है। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, रेड चिली पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच, और धनिया पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच। अब ऐड करेंगे इसमें अपना सांभर मसाला। तो मैंने लगभग 2 चम्मच सांभर मसाला डाल दिया है। इसमें मैंने लगभग 6 टमाटर डाले हैं काट के, और इसमें अब लगाएंगे सीटियाँ, लगभग 10 से 12 सीटियाँ लगाएंगे ताकि अच्छे से मैश हो जाए, और इसकी सब्ज़ी वगैरह कटिंग कर लेते हैं तब तक। तो ड्रम स्टिक्स डालना बिल्कुल ना भूलें, इससे ही सांभर का असली मज़ा आता है। तो मैंने 4 से 5 ड्रम स्टिक्स कट कर लिए हैं। एक छोटा गाजर ले लिया है, लौकी का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, कद्दू का छोटा टुकड़ा ले लिया है, आलू एक छोटा सा ले लिया है। इन सब सब्जियों को काट लेंगे। भिंडी ले ली हैं 2, और बैंगन अगर हो आपके घर में, फूल गोभी हो, ये सब कुछ आप डाल सकते हैं इसमें। पर फिलहाल मेरे पास जो अवेलेबल थी सब्ज़ियाँ, मैंने वो कट करके डाल दिए। और गाइस, प्याज डालना बिल्कुल ना भूले, इसमें लगभग 1 प्याज भी पड़ता है, क्योंकि सांभर में एक अलग टाइप का फ्लेवर होता है जो नॉर्मल अरहर दाल में आपको फील नहीं होगा, वो प्याज की वजह से होता है। तो एक कच्चा प्याज ज़रूर इसमें डालें। तो चलिए गाइस, हम लोग सारी सब्जियां कट कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं सांभर। तो फ्रेंड्स, चॉप कर ली हैं मैंने अपनी वेजीज, और अब सीटियाँ भी लग चुकी हैं लगभग 10 से 12 कुकर में। तो खोल के चेक करना पड़ेगा कि अच्छे से पकी कि नहीं पकी, क्योंकि ये एकदम मैश होनी चाहिए, मतलब नज़र नहीं आनी चाहिए कि कौन सी दाल है, इतना सीटियाँ उसमें लगना चाहिए। तो गाइस, सारी सब्जियों को इसके अंदर ऐड करेंगे, और भिंडी को मैंने काटा नहीं था, अदरवाइज उसमें पानी भर जाता। तो अब उसे कट कर लेंगे और डाल देंगे उसमें, और सारी वेजीज भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और लगभग 1 से 2 चम्मच आप चाहें तो दोबारा से सांभर मसाला इसमें ऐड करें, और इसमें लगभग 2 सीटी लगने के लिए रख दें गैस पे। तो गैस, जब तक हमारी दाल बन रही है तब तक तड़का रेडी कर लेते हैं। लगभग 4 चम्मच मैंने घी ले लिया है, राई डालेंगे इसमें खूब सारी, जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि सांभर में जो तड़का होता है उसमें राई डालना बहुत ज़रूरी है। तो राई ढेर सारी डालें, लगभग आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी क्वांटिटी में डाली है। और आप डालेंगे जीरा लगभग 1 चम्मच, उसके बाद डालेंगे इसमें खड़ी एक मिर्च, लाल मिर्च, सूखा वाला जो मिर्च होती है वो, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और ऐड करेंगे इसमें अपना प्याज, लहसुन और अदरक। ये तीनों चीज़ें कट करके तड़के में ज़रूर डालें, इससे अच्छा फ्लेवर आता है सांभर में। तो तड़का बना लेते हैं, और गाइस हमारी सीटियाँ भी आ चुकी है कुकर में, तो उसे खोल दिया है मैंने, और अब इसको पलट देंगे अपने तड़के में। अब डालेंगे इसमें इमली का पल्प, तो ढेर सारा इमली का पल्प मैंने इसमें डाला है, ताकि हल्का सा मीठापन और खट्टापन आ जाएगा इसमें। तो इमली का पल्प डालना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से गर्म करके इमली को हाथों से, जैसे ही वो ठंडा हो जाए, इसमें निचोड़ दें और मिक्स कर लें और सर्व करें। हमारी सांभर बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग भी अपने घर पे बनाइए और फैमिली को खिलाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी बनी थी आपकी सांभर। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।